कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी से क्या क्या गलतियां सरजद हुई और तुम पर क्या क्या और कितनी ज्यादतियां हुई। जब घर बैठ ही गई तो फायदे और नुकसान का क्या हिसाब लगाना। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारा। यहां जरा सोच समझ के बोला करो। ऐसी हालत में अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अच्छा, और आपके मना करने से जो मैं पूरी रात रोज रही हूँ उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा मेरे बच्चे पे? मोहब्बत हम सफर मेरी। कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी से क्या क्या गलतियां सरजद हुई और तुम पर क्या क्या और कितनी ज्यादतियां हुई। जब घर बैठ ही गई तो फायदे और नुकसान का क्या हिसाब लगाना। ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ससुराल है तुम्हारा। यहां जरा सोच समझ के बोला करो। ऐसी हालत में अगर तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अच्छा, और आपके मना करने से जो मैं पूरी रात रोज रही हूँ उसका नुकसान नहीं पहुंचेगा मेरे बच्चे पे? मोहब्बत हम सफर मेरी, मोहब्बत हम सफर मेरी। भाभी आगे बात करती हूँ। वानिया जी। भाभी। वानिया, तुमने रात को हमारे साथ जरूर चलना है, ठीक है? भाभी, मैं अम्मी को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? अम्मी रात को नींद की गोली खा के सोती है, बामुश्किल से उनकी सुबह आंख खुलती है। और वैसे भी उन्होंने हमें कहा है कि तुम्हें साथ लेके चले। नहीं भाभी, वो आजकल ना मेरे टेस्ट चल रहे हैं, मैं थोड़ा पढ़ लूंगी। अरे अगर एक रात नहीं पढ़ोगी तो क्या हो जाएगा? बस तुमने हमारे साथ जरूर चलना है, ठीक है? आपको क्या पता भाभी, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे ऐसी तो बंद कर दो,
बहुत बिल आने लगा है, इस महीने भी बहुत बिल आया है। आप कहीं जा रही है क्या? पड़ोसन के साथ काफी दिनों से प्रोग्राम बनाया था कि सिनेमा जाके पिक्चर देखेंगे। आप फिल्म देखने जा रही हैं? हाँ, और तुम्हारे लिए टिकट इसलिए नहीं मंगाया कि तुम तो मना कर दोगी। ठीक किया आपने, मेरा किसी तफरी का कोई मूड नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारा पर्स लेके जा रही हूँ, शाम के लिए कुछ बना लेना। भाई वहां से थक के आकर ना मुझसे कुछ नहीं पकाया जाएगा, ठीक है? चलो अच्छा, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अम्मी आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आप किसी ने मत जाइएगा। एक काम करते हैं कि आज बाहरी खाना खाते हैं। नहीं, तुम और सारा जाओ, तुम्हारे अब्बू अगर चले गए ना तो बदपरहेजी हो जाएगी उनकी। ना जाने आपके पास हमेशा ना जाने के कोई ना कोई बहाने होते। बेटा तुम्हारे और सारा के घूमने फिरने के दिन है, मेरा अब कहीं जाने को जी नहीं चाहता है। अगर आंटी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी? हाँ हाँ ठीक है, मुझे सलमान का भाई आ गए। जी भाई, जाके देखो एनी को, कितनी देर है। मेरा ख्याल है भाई वो अभी तक तैयार ही हो रही है, और आप लोग खासा लेट हो गए हैं। नहीं खैर, इतना लेट तो नहीं हुआ, लोग टाइम लगाते हैं आते आते। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छी लग रही है आप। देखना शादी की तकरीब में सबसे ज्यादा खूबसूरत होने का एहसास आप ही को मिलेगा। अगर मेरी बात पे यकीन है तो जल्दी से जाए खुद देख ले। एक छोटी सी कमी रह गई है। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। नहीं आप बताएं किस चीज की कमी है? तुमने टीका नहीं लगाया, वो तुम्हारे फेस पे बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है तुम्हें। लेकिन उसे तो लगा के मैं दुल्हन लगूंगी ना। अरे भाभी छोड़े ना भाई की बातों को, ये तो पूरी रात भी आपको तैयार करवाते रहेंगे ना, इनका दिल नहीं भरेगा। आप लोग जाए ना, देर हो रही है आप लोगों को। चलिए बेगम साहब, चलिए चलिए जाएंगे ना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। शुक्र है चले गए। अम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? बस पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा आप दूध पी लें, मैंने इसमें आपकी नींद की दवाई मिला दी है। अरे बेटा रहने दो, ये सुबह शाम दोपहर ना नीली पीली गोलियां खा के मैं तंग आ गई, मैं नहीं पी रही दूध। अम्मी कल मत पीना, आज पी लें। अच्छा रख दो, पी लूंगी। पी के अच्छा लगेगा आपको। और देख तू भी पढ़ाई खत्म करके ना तो इधर ही आके सो जाना मेरे पास, भाई भाभी पता नहीं किस वक्त आएंगे। जी ठीक है अम्मी। अम्मी अब दूध पी लेना। हाँ बेटा पी लूंगी। जा आए हाय बुढ़ापा। शुक्र है भाई भाभी गए हुए हैं और अम्मी कमरे में सो रही हैं, वरना मैं तैयार कैसे होती।
सीटी की आवाज, लगता है रजा आ गया। देखो रजा, तुम्हारे कहने पे मैं कूद गई। कहाँ भागे थे तुम इतने डरपोक हो? हाँ, मेरे कूदने के बाद कहते हो कि कूदना मत। मेरा दिल टूटा है कि मुझे रसा के बजाय किसी दूसरे ने संभाला, नवीद ने। ये वानिया इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही थी? रात की तारीकी में तो कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। वानिया इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है। या तो वो पागल हो गई या फिर मैं पागल हो गया। पागल तो शायद आप हो गए। नवीद, आपने ही तो कहा था कि जब आप पिंडी जाएंगे तो मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊंगी रहने के लिए। हाँ कहा था, लेकिन अब मैं पिंडी नहीं जा रहा। मेरा पिंडी जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। ये क्या बात हुई? अगर आपका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो मैं भी अपना प्लान चेंज कर दूं क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अम्मी की जाके आराम करना है। करती क्या हो तुम सिवाय आराम करने के? फिर भी तुम्हारा इधर उधर जाने का शौक खत्म नहीं होता। बस मैंने कह दिया ना कि कल मुझे अम्मी की तरफ लाजमी जाना है। अच्छा तो फिर तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? तुम ठीक हो ना? अम्मी आपने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखे कि तुम समुंदर में डूब रही हो और तुम चीख रही थी, तुम्हारी चीखों से तो मेरी आंख खुली है। अम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आई। मुझे बहुत घबराहट हो गई जो मेरे पास ही सो जाए। हाँ यार, मुझे गार्ड बता रहा था कि परसों रात किसी लड़की ने छलांग लगाने की कोशिश की और तुमने उसे बचा लिया। हाँ यार, वो शायद पैर वैर फिसल गया था किसी का, हो जाता है अक्सर ऐसा। तो सुनो, थी कौन वो मोहतरमा? पता नहीं, मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी। क्या जरूरत है किसी को बचाने की यार, गिरने दिया होता। अरे भाई क्यों गिरने देता? एक दफा तो तुमने उसे बचा लिया, लेकिन जिस लड़की की कूदने की ख्वाहिश हो वो दोबारा भी तो ऐसा काम कर सकती है। अल्लाह ना करे कि वो दोबारा कोशिश करे यार। असल में मैं ये मशवरा करने आया था कि अगर बीवी रोज रोज मैके जाने की ख्वाहिश जाहिर करे तो क्या करना चाहिए। फिर मेरा ख्याल है कि घर दामाद बनकर ससुराल में रहना चाहिए और अपनी अम्मी को भी साथ लेके जाना चाहिए और दोस्तों को भी साथ ले जाते हैं। क्या ख्याल है? मैंने कहा ना मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, मतलब मुश्किल है। इतनी पाबंदियों के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और नवीद नवीद का गुस्सा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी नहीं, बिना वजह गुस्सा करने लगे हैं वो।
मुझे लगता है कि वो हारे, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कैसी है शहजादी? मेरी छोड़े, आप ये बताएं कि कल आपने किस लड़की को बसाया था? क्या नाम था उसका? कितनी उम्र थी? कहाँ रहती है वो आखिर? अरे 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 अरे, मुझे इन सब बातों का क्या पता? फिर भी कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो ही जाता है ना, कहाँ रहती है आखिर वो? इतनी सी मालूमात कराना आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है? मुझे इन सब बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उसके घर वालों को आपका शुक्रिया अदा करने तो आना चाहिए था ना, और आपको भी बताना चाहिए था कि आपने उसकी बेटी की जान कैसे बचाई। तो क्या चाहती हो तुम शहजादी, मैं इतनी सी बात का ढंडोरा पीटूं, ढोल बजाऊं? हीरो बनने का तो आपको वैसे भी बहुत शौक है। हाँ है, फिर तुमसे मतलब? कोई ना कोई बात जरूर है जो आप मुझसे नई नवेली दुल्हन से हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। नई नवेली दुल्हन तो देखो, 6 महीने हो गए शादी को, इसका नया पानी नहीं खत्म होके दे रहा है। बहुत गुस्सा दिलाती हो शहजादी तुम, बहुत। मुझे तो सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम ऐसा करते हैं, घूमने फिरने का प्लान फिर कभी रख लेंगे, सिंपल। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मम्मी की तरफ चली जाती हूँ। वापसी में आप मुझे पिक कर लेंगे, ठीक है? पापा की तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं उनका भी हाल पूछ कर आ जाऊँ। खाला जान का घर तो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, ऑफिस चला जाऊँ। ठीक है। वानिया, तुम घर में अकेले रह के क्या करोगे? तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं अम्मी, मैं अपने फ्रेंड रामीन की तरफ जाऊंगी कंबाइंड स्टडी के लिए, शाम तक आऊंगी। चलो अम्मी, मैं लेट हो रहा हूँ, आइए आपको छोड़ दूंगा, आप रेडी हो, चलें। एक्चुअली मेरे बॉस को इस्लामाबाद जाना पड़ गया, सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, फिर मैं फ्री। उसके बाद मैंने सोचा कि चूंकि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, क्यों ना हम लोग बाहर जाएं, घूम तो करते हैं। चलिए ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, अब मैं मम्मी की तरफ नहीं जा, हम बाहर चले। नहीं लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक अच्छी सी चाय पिलाओ, कड़क सी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब खाना पीना बाहर, आप जल्दी से चेंज करो। ओके, आफ्टर यू मैम। कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खो, या जाए राह में छोड़ खो, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है मोहब्बत हम सफर में।
भाभी ने देख ली है। देख लेते दोनों यार, क्या हो गया? भाभी घर जाके हंगामा खड़ा कर देगी। तुम मुकर जाना। तुम्हारा मतलब है मैं भाभी से झूठ बोलूं? भाई तुम उनसे फौरन कह देना कि तुम रामिन के घर से जल्दी चली गई। तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे भाभी और भाई यहाँ पे आने वाले हैं? मुझे क्या पता था, भाभी तो अपने मैके गई नहीं थी यार। भाई तो ऑफिस से लेट आने वाले थे तो मुझे जल्दी से घर छोड़। तो नन साहिबा की ये है कंबाइंड स्टडी जो पता नहीं कब से चल रही होगी। ये है इनका शौक जिसके लिए वो बार बार घर से बाहर जाती हैं। सारे घर वालों की आंखों में धूल झोंक कर पता नहीं कौन है ये लड़का, अच्छा है या बुरा, ये मालूम तो करना ही पड़ेगा वरना सारिम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे यहाँ तो मंचिंग के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, चलो ना निकलते हैं यहाँ से, किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर प्रॉपर कुछ खाते हैं। सारिम ऐसा करें कि हम घर चलते हैं। क्या बात कर रही हो तुम, इतने दिनों बाद तो घूमने निकले। नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा, हम घर चलते हैं। क्या हुआ? मैं आपसे कह रही हूँ ना चले। अरे लेकिन हुआ क्या, कुछ तो बताओ। सारे शादी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, बड़ों को तो देखना पड़ता है ना। अब तुम आ गई हो ना इस घर में, तुम देखना अपनी बहन वानिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का। नहीं अम्मी, अदनान ने मुझसे वाकई मोहब्बत की थी। अरे मेरी पागल बच्ची, आजकल किसको मोहब्बत होती है और कहाँ होती है। भाभी आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? नहीं लेकिन तुम्हें अपने बड़े भैया से जरूर डरना चाहिए। रूप बदले तो कोई पहचान।